विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। नागपुर में लॉकडाउन सही या गलत, इस सवाल पर नागरिकों ने बेबाक होकर वीकेबी के सामने रखी अपनी बात। किसी ने कहा लॉकडाउन से छीन जाएगा रोजगार, तो किसी ने कहा बर्बाद हो जाएगा व्यापार। नागपुर के बाद अब अकोला भी लॉकडाउन की जद में। 12 मार्च की शाम से 15 मार्च तक लगाया गया सख्त लॉकडाउन। और अचानक लॉकडाउन की घोषणा पर महापौर दयाशंकर तिवारी ने कहा यह मेरा नहीं जनता जनार्दन का है अपमान। प्रशासन टेस्टिंग संख्या में बढ़ाने में विफल रहा तो लॉकडाउन लगा दिया। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर में सोमवार से सख्त लॉकडाउन का नागरिकों की ओर से विरोध किया जा रहा है। वहीं कुछ नागरिक इसके पक्ष में नजर आए। अधिकांश नागरिकों ने लॉकडाउन को रोजगार और व्यापार के लिए हानिकारक बताया, तो कुछ लोग इस कोरोना का विस्तार रोकने की दिशा में उठाया गया उचित कदम बता रहे हैं। इन्हीं नागरिकों में से कुछ तो ऐसे भी थे जो मानने को तैयार ही नहीं थे कि कोरोना नामक कोई बीमारी समाज में वायरल हो रही है। वीकेबी न्यूज ने आज इसी विषय पर नागरिकों से लॉकडाउन को लेकर खुला ओपिनियन लिया। आइए सुनते हैं नागरिकों ने क्या कहा। हाल ही में लिए गए प्रशासन द्वारा लॉकडाउन का फैसला कहां तक सही है और कहां तक गलत, आइए जानते हैं इस पर जनता की क्या राय है। हाल ही में जो लॉकडाउन का फैसला लिया गया है, क्या लगता है आपको, सही है या गलत है? गलत ही है ना। किस हिसाब से? इस हिसाब से लोग भूखे मर रहे हैं। हाँ। रोजगार नहीं है, रोजगार खत्म हो गए। हाँ। सही कहां से है फैसला सरकार का? अच्छा, आपने जिस तरीके से मास्क लगाया हुआ है, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं आपकी गलती हो रही है, आप नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हो जिसकी वजह से अन्य लोगों को भुगतना पड़ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोरोना से डर नहीं लगता? देखो, डर की बात नहीं है, कोरोना है ये, इसका कोई मतलब नहीं है, कोरोना की बात नहीं है। पर इतना लॉकडाउन करने का मतलब नहीं, अभी लॉकडाउन ही किया गया था ना, अभी शुरू हुआ दिन से, तो अभी हमारे भूखे मरने का आबाद आ गई है। दुकान अभी खोलने को ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, अभी फिर से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, तो हम क्या करना चाहिए? तो बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, तो क्या करना चाहिए अभी हमने? तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है जिसकी वजह से संक्रमण बढ़ते जा रहा है? नहीं, पालन किया जा रहा है इसका कोई गारंटी नहीं है। पर मैडम क्या है, आजकल लोग मास्क भी लगा रहे हैं, कोई कोई नहीं लगाता, किसी को डर नहीं रहता उस चीज़ का, पालन तो हो रहा है ना। पर फैसिलिटी जब लॉकडाउन शनिवार संडे का है, तो इस तरह का लॉकडाउन लगाने की जरूरत ही नहीं ना, 6 दिन की क्या मतलब है? आज लोगों की फुटपाथ की दुकान चालू है, ये बंद हो जाएगा तो बाकी लोग क्या करना चाहिए? सरकार तो कुछ करना है ही नहीं। आप वैक्सीन लगा रहे हो, तो वैक्सीन चालू किया तो किस कारण चालू किया? टीका कर लगा ही रहो ना आप। अरे जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी भी काफ़ी मास्क नहीं लगाए घूम रहे लोग, नियमों का पालन नहीं कर पा रहे, तो आइए जानते हैं इनसे उनकी क्या राय है। आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। कहिए। ये जो लॉकडाउन प्रशासन द्वारा लगा है, आपको कहाँ तक लगता है ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? कहाँ तक के सही है और कहाँ तक के गलत है, ये तो एक प्रकार से गलत ही समझो, क्योंकि मैडम जी रोज जो कमाने खाने वाले लोग रहते हैं उनको बहुत परेशानी का सामना करना। यानी लॉकडाउन लगा के, लॉकडाउन लगाने के वजह से उसके ऊपर जो कार्रवाई है, जैसे मास्क लगाना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, सोशल डिस्टेंस, इसका उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। पर यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कोई नहीं कर रहा है, तो इस पर आपकी क्या राय है? करना चाहिए, सभी ने भी जो आदेश है उसके सभी ने अमल करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजर लगाना चाहिए, डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, तो फिर लॉकडाउन नहीं लगेगा ना, ये तो सब करना ही चाहिए सभी ने। तो वही मैं कह रही हूँ, जैसे कि कुछ नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है, उसके वजह से जनता को फिर से लॉकडाउन का सामना करना पड़ रहा है।
तो क्या आप इससे सहमत हो? सहमत क्या मैडम, इसी के भरोसे पे रोजी रोटी। हमारे घर में तो कोई कमाने वाले जेंट्स ही नहीं। मैं एक विधवा लेडीज हूँ, मैं कमाती हूँ, तो मेरे दो पोते हैं, वो उसके भरोसे पे चलता है हमारा सब। ये दुकान अगर बंद रहेंगी तो हम क्या खाएंगे? रोजी रोटी तो इसी की बदौलत हम कमा रहे हैं। घर में तो कोई जेंट्स है नहीं, लड़के की भी डेट हो गई है, मेरे मिस्टर की भी डेट हो गई है। तो जब मैं कमा के लेके जाती हूँ तो बच्चे खाते हैं। बहू है एक घर में, दो नाती पोती है मेरे को, 14 साल की नाती नहीं, 12 साल का पोता है, तो उनका काय के भरोसे पे कर सकते हैं? दुकान रहेंगी तो हम खिलाएंगे उनको। घर में अगर महीना भर बैठे रहेंगे, 8 दिन रहेंगे, तो काय के भरोसे पे खाएंगे? रहे हैं यहाँ पे नियमों का पालन नहीं कर रहे किए जाने पर। आपको डर नहीं लगता बिना मास्क के? दीदी यार सभी निकलेगा, मैं लगा दिया, डर लगता है ना मैडम। आप नियमों का पालन नहीं कर रहे? मैं कर रही दीदी, जब कभी लगाया था मैंने मास्क। बोलो मैडम, मैं मास्क कराया था। हाँ बोलो ना मैम, आप बात कर सकते हैं? हाँ कर रहे हैं। बताइए, आप जो बिना मास्क के आप सेल आउट कर रहे हैं, हाँ, आपको नहीं लगता आपकी इस गलती की वजह से काफी लोगों को लॉकडाउन का सामना करना? नहीं नहीं दीदी, कैसा, अभी जब मैंने मास्क निकाला था, मास्क पे डर लगता है हमारे को, मास्क पहनते हम कंटिन्यू पहन के रहते दीदी, वो भी 12 घंटे शॉप लगाना पड़ता दीदी, 12 घंटे शॉप भी मास्क नहीं लगा सकते ना, वैसे लगा के रखते हम 24 आवर्स लगा के रखते, ऐसा कुछ नहीं। फैसला लिया गया है उस पर आप कहाँ तक सहमत हो, क्या ये सही है या गलत है? सही तो है कि नहीं बता भी नहीं सकते, क्योंकि कोरोना का बता रहे ना, ऐसे कैसे बता सकते सही या गलत है। हाँ पालन तो करना चाहिए, बराबर। नहीं पालन तो नहीं हो पा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का, लोगों ने कैसा सोशल डिस्टेंसिंग भी पालना चाहिए और मास्क वगैरह लगाना चाहिए, सैनिटाइजर यूज करना चाहिए। ये आप ये सब फॉलो करते हैं? हाँ फॉलो, ये देखो अभी बच्चों को भी लगाया है मास्क, फॉलो कर रहे हैं। मैडम आप क्या, आपकी क्या राय है, हम आपकी राय जानना चाहते हैं। डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। आइए जानते हैं डिस्टेंसिंग के पालन के बारे में इन लोगों की क्या राय है। यहाँ पे जैसे कि आपने देखा यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल फॉलो नहीं कर पा रहे हैं लोग, सब फॉलो हो रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जो लॉकडाउन का फैसला ये सही है या गलत है? लॉकडाउन का फैसला तो होना ही चाहिए मैडम, क्योंकि कोई भी आप देखिए पूरे मार्केट में सभी के सभी लोग मास्क पहन के तो घूम रहे हैं, लेकिन डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, तो इस हिसाब से तो लॉकडाउन करना चाहिए। लेकिन लॉकडाउन करने से काफ़ी गरीब लोग हम कैसा रोज कमाते और रोज खाते हैं, अगर ये 15 दिन का हफ्ते भर 10 दिन का भी लॉकडाउन होगा तो हमारे घर पे काफ़ी असर गिरता है सब चीज़ों का। लेकिन क्या करते हैं, अभी हर किसी की जान तो कीमती है ना, तो सर डिस्टेंसिंग का पालन तो करना ही पड़ेगा। तो सही, पिछले साल भी लॉकडाउन लगाया गया था, इसके वजह से काफ़ी परेशानियों को सामना करना पड़ा, काफ़ी मुसीबतें देखनी पड़ी। अभी थोड़ा सा हम उभरे नहीं इस मुसीबत से, तो फिर से प्रशासन द्वारा लॉकडाउन लगाया गया, तो आप इस पर क्या राय है? हम नहीं, ये तो सही है जो लॉकडाउन लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, पर मार्केट पे इसका बुरा, बहुत बुरा असर हो रहा है। यानी व्यापारी वर्ग ऐसा हो गया है, क्या ग्राहक ही मार्केट में कुछ भी नहीं, नदारद हो चुकी है, जो भी अब तक के गुडलक भी नहीं हुआ है मार्केट में, ऐसे पोजीशन चल रही है। जो भी हो रहा है वो अच्छा है प्रशासन की वजह से, जैसा सैटरडे संडे जो होता है संडे मार्केट में, यानी सैटरडे संडे जो 2 दिन होते हैं हमारे, वही व्यापार के दिन होते हैं, वो लॉकडाउन की वजह से बंद कर दिया है, बाकी दिन तो व्यापार ऐसा पूरा स्थगित हो चुका है। आपकी क्या राय है, क्या ये लॉकडाउन का फैसला सही है या गलत है? ये इन्फॉर्मेशन अगर गवर्नमेंट के हिसाब से जो मिल रही है उसके हिसाब से लॉकडाउन तो सही है, क्योंकि अगर केसेस 1700 से 1800 केसेस दिन के आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से लॉकडाउन तो सही है। लेकिन गवर्नमेंट ने देखना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी इससे अफेक्ट हो रहा है और हमारा भी जो चल रहा है बिजनेस वो भी अफेक्ट हो रहा है। तो गवर्नमेंट अगर कुछ सोच समझ के डिसीजन ले रही होगी तो मेरे हिसाब से तो सही ले रही होगी, बिकॉज वी बिलीव इन गवर्नमेंट, वी बिलीव इन दिस गवर्नमेंट। जैसे कि हम देख रहे हैं अभी भी बाकी ने बहुत से ऐसे लोग हैं जो नियमों का पालन नहीं करते, ना मास्क लगाते ना सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते, उनकी वजह से ही तो सबको झेलना पड़ रहा है ना ये सब। तो ये तो क्या, ये तो सबको समझदारी अपने आप में होनी चाहिए। अभी भी हम बात कर रहे हैं तो हम मास्क लगा के ही बात कर रहे हैं, तो ये समझदारी तो सब में अपने आप में, क्योंकि अपनी खुद की ही सुरक्षा हमको खुद को ही करना चाहिए, प्रोटेक्शन हमारे वजह से दूसरों को प्रॉब्लम ना हो, ये तो बेसिक चीज़ है जो ध्यान रखनी चाहिए हर किसी ने। प्रशासन द्वारा जो लॉकडाउन का फैसला लिया गया है, आपको क्या लगता है, क्या ये सही है या गलत है? ये सही है, पर क्या है ना, पब्लिक लोगों ने थोड़ा सा केयरफुली रहना चाहिए।
क्योंकि क्या है ना, उन्हीं की वजह से सब प्रॉब्लम हो रही है। अगर मास्क लगाते हैं, कुछ सेफ्टी करते हैं, तो हमें प्रशासन डिसीजन लेने में कोई आगे पीछे थोड़ी सोचते हैं। वो लॉकडाउन लगाते ही नहीं ना, क्योंकि ये लोग मास्क नहीं लगाते। कुछ कुछ ऐसी पब्लिक है जो केयरफुली मास्क लगाती है, वो अपनी सेफ्टी जानती है, बट कोई कहता है कि हाँ हमें कितने दिन रहना है, आज नहीं तो कल मर ही जाना है, इसलिए लगा ऐसे करके घूमते हैं। वैसा कुछ नहीं होता ना, हमारी ऐसी बेपरवाह की वजह से किसी और 10 लोगों को भरपाई करनी पड़ती है, क्योंकि कोरोना है ये, और ये हवा में घूमने वाली चीज़ें ही है। या हमारे मास्क लगाने से कुछ नहीं होएगा, हम मर नहीं जाएंगे। कुछ दिनों के लिए सांस रुकेगी, बट हम घर में जाने के बाद तो सांस ले पाएंगे, पर बाहर निकल रहे पब्लिक प्लेस में तो हमारा फर्ज बनता है कि हम मास्क लगाए, हमारी वजह से कोई और पब्लिक डिस्टर्ब ना हो, हमारी वजह से कोई बीमार ना पड़े, क्योंकि हमारी वजह से अगले वालों के घर में 10-15 जन और है, अड़ोसी पड़ोसी है, फैलते फैलते पूरा डिस्ट्रिक्ट आता है इसमें। इसलिए हम केयरनेस करेंगे अकेले तो बाकी के 100 लोगों को बचा पाएंगे हम ही। शहर में लॉकडाउन लगाने के तरीके का महापौर दयाशंकर तिवारी ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और महापौर नागपुर शहर के प्रत्येक नागरिक का प्रतिनिधि है, ऐसे में उन्हें इस मामले में विश्वास में नहीं लिया गया। क्या शहर में लॉकडाउन लगाने से पहले शहर के प्रथम नागरिक कहे जाने वाले महापौर को विश्वास में नहीं लिया गया था? यह सवाल आज नागपुर के महापौर दयाशंकर तिवारी की प्रतिक्रिया में उभरता दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि यह मेरा अपमान नहीं बल्कि उस जनता का अपमान है जो गलती से मुझे शहर का प्रथम नागरिक कहती है। जनता से जुड़ी हर चीज महापौर से जुड़ी है। लॉकडाउन का मैं विरोध नहीं करता, किंतु जिस पद्धति से लॉकडाउन लगाया गया है मैं उस तरीके का विरोध करता हूँ। त्या मीटिंग मध्ये हाच विषय मी मांडला आणि हा विषयासाठीच आजची बैठक होती। मी सांगितलं तुम्हाला जे टार्गेट आम्हाला टेस्टिंग करायची होती सुपर स्प्रेडर मध्ये, तिथे काहीतरी प्रशासनाचा अपयश दिसून आलेला आहे। हे मी बैठकीमध्ये हा विषय मांडला की मी या शहराचा महापौर आहे आणि शहराच्या महापौराला जर बाहेरचा माणूस विचारत असेल भैया लॉकडाऊन लागला का, आणि मी म्हणत असेल की आज शिवरात्री आहे मी दर्शन करायला आलो आहे एका ठिकाणी, फोन करून सांगतो आणि मला सांगण्यात येते की हो आज पालकमंत्रींनी बैठक घेऊन लॉकडाऊन लावलेला आहे, तो हा मला स्वतःचा अपमान वाटत नाही, पण या नागपूरची जी जनता जे चुकीने मला प्रथम नागरिक म्हणतात तो त्याचा अपमान म्हणजे या शहराची जनताचा आणि जनप्रतिनिधीचा अपमान आहे असं मला वाटते। कोणताही निर्णय घेण्यात कमीत कमी आपसात चर्चा होणं नितांत आवश्यक आहे। ज्या निर्णयामध्ये या शहराचा निर्णय घेण्यात येते तिथे चर्चा असायला पाहिजे। यापूर्वी निर्णय घेत असताना दारूची दुकान सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला, या शहरात लॉकडाऊनमध्ये दारूची दुकान सुरू राहिलं पाहिजे की नाही राहिली पाहिजे कमीत कमी हे तरी महापौराला विचारलं पाहिजे होतं की नाही। चिकन मटन हे दुकान बंद ठेवले हे तरी महापौराला विचारलं पाहिजे की नाही। नंतर मी ऑब्जेक्शन घेतलं, दारूचे दुकान बंद करण्यात आले, हे जे नॉनव्हेजचे दुकान बंद करण्यात आले ते पुढच्या आठवड्यात सुरू करण्यात आले, हे जे जनताशी निगडित विषय आहे हे दैनंदिन महापौराचा संबंधित विषय असतो, हा लॉकडाऊनही त्याच्यातलाच एक पार्ट आहे, म्हणून महापौराला विचारणं आवश्यक होता। मी लॉकडाऊनचा निषेध करत आहे असं म्हणत नाही, पण ज्या पद्धतीने लॉकडाऊन पुकारण्यात आला त्याचा मी नक्की निषेध करतो। हा लॉकडाऊन पुकारण्यात आलेला आहे जे व्यापाऱ्यांचे विषय आहे ते आम्ही आपसात चर्चा करू, पण प्रशासनाने दिलेल्या निर्देशाचे काटेकोरपणा नागरिकांनी पालन केला पाहिजे हे आवाहन मी आपल्या माध्यमातून करत आहे। अब अकोला में भी 12 मार्च से लॉकडाउन लगा दिया गया है जो आगामी 15 मार्च की सुबह तक चलेगा। प्रशासन ने बताया कि यहाँ पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा था। अकोला जिले में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस दौरान आवश्यक सेवाएं शुरू रहेगी। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद आगामी 5 दिनों तक कुछ प्रतिबंधों को छोड़कर शेष दुकानें शुरू रखने की अनुमति जिला प्रशासन ने दी है। अकोला जिल्ह्यातील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता आपण मागच्या फेब्रुवारी महिन्यापासून अचानक केसेस या ठिकाणी वाढत आहेत, मार्च मध्ये सुद्धा केसेस वाढत आहेत, तर त्या दरम्यान आपण काही यापूर्वी सुद्धा लॉकडाऊन लावण्यात आलेला होता, त्यानंतर काही शिथिलता देत त्यावेळी माननीय जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर सरांनी आदेश केलेले आहेत की त्या अनुषंगाने 5 दिवस म्हणजे प्रतिबंध निर्बंध लावून उघडे दुकानं उघडे राहतील आणि शुक्रवारी सायंकाळी 8 वाजतापासून तर सोमवारी सकाळी 6 वाजेपर्यंत म्हणजे उद्या
13 तारीख आणि 14 तारीखला संपूर्ण लॉकडाऊन राहणार आहे। या दरम्यान संपूर्ण ज्या किराणा दुकान असतील, भाजी मार्केट असेल, हे सर्व बंद राहील। फक्त या दरम्यान वैद्यकीय सेवा आणि मेडिकलचे दुकाने आणि ॲम्ब्युलन्स सेवा आणि काही पेट्रोल पंप असे या ठिकाणी सुरू राहतील। आणि या दरम्यान आम्ही आमच्या टेस्टिंगसाठीचे जे विशेष कॅम्प केलेले आहेत ते सध्या सुरू राहतील। सर्व व्यापारी वर्गांना माझं आवाहन आहे की या दरम्यान आपल्याला टेस्ट करून घ्यायचे असतील तर त्यांना सर्वांना मुभा राहील, त्यांना कुठल्याही प्रकारची अडवणूक होणार नाही, अशा प्रकारच्या सूचना माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांनी दिलेल्या आहेत। त्यामुळे कडक लॉकडाऊन आहे। माझं सर्वांना विनंती आहे की कोरोनाचा ब्रेक करण्याकरता आपण थोडंसं याला सहकार्य करावं, अशा प्रकारची मी विनंती करतो। नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सने भी शहर में लॉकडाऊन घोषित करने का विरोध व्यक्त किया है। NVCC के चेयरमैन अश्विन मेहाड़िया ने इस संबंध में आज महापौर से चर्चा की। नागपुर में अचानक लॉकडाउन की घोषणा से नाराज नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने आज महापौर दयाशंकर तिवारी से मुलाकात कर कहा कि फिलहाल लॉकडाउन लगाना अनुचित है। इस लॉकडाउन के दौरान एक सप्ताह में करीब 1,000 से 1,200 करोड़ का नुकसान व्यापार जगत को होने की आशंका NVCC अध्यक्ष अश्विन मेहाड़िया ने व्यक्त की। उन्होंने कहा कि व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर ही कोई बड़ा निर्णय लेना चाहिए। सर 15 से 21 नहीं, व्यापारियों के लिए तो 13 तारीख से 21 तारीख तक ले लॉकडाउन है, क्योंकि पुराने ऑर्डर के हिसाब से सैटरडे संडे भी बंद रखने बोला गया और वो ऑर्डर अभी कायम है। इसमें पूरा ठीकरा व्यापारियों पे कहीं ना कहीं फोड़ा जा रहा है कि मार्केट में रश हो रहा है, ये हो रहा है। तो मार्केट में रश व्यापारी नहीं करता, मार्केट तो सदियों से व्यापारी अपनी दुकान वहाँ लेके बैठा है। मार्केट को कंट्रोल करना शासन प्रशासन का काम है, वो आके वहाँ कंट्रोल करना चाहिए, ना कि सिग्नल्स पे लोगों को मास्क पहनने के लिए चालन करना चाहिए। इनकी पूरी टीम नाकाम हो चुकी है नागपुर महानगर पालिका की। इनके जोन फेल लोग हैं, इनके जोन में कोई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं है, जो पॉजिटिव पेशेंट है वो घूम रहे हैं, उनको ये लोग कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे और ये उसके कारण कोरोना बढ़ रहा है नागपुर शहर में। लॉकडाउन का विकल्प हो सकता था, उसको एक टप्पे टप्पे में लगाया जा सकता था, व्यापारियों से बात करके उनको कॉन्फिडेंस में लेके, जो पहले भी हुआ है और व्यापारियों ने इसका साथ दिया है। नागपुर महानगर पालिका का 2020 में जो लॉकडाउन लगा था 3 महीने का, उसमें भी व्यापारियों ने पूर्ण तरह इनको साथ दिया है। हमारी ये मांग है कि अभी फिलहाल लॉकडाउन नहीं, अगर केसेस और ज़्यादा बढ़ेंगे तो ज़रूर लॉकडाउन करिए, लेकिन उस समय भी व्यापारी को, व्यापारी संस्थाओं को, व्यापारी नेताओं को कॉन्फिडेंस में लेके करिए। नागपुर में 15 मार्च से लॉकडाउन घोषित होने के बाद कलाकार अपनी व्यथा रखने सामने आए। उन्होंने नागपुर महानगर पालिका मुख्यालय पहुंचकर गीतों के साथ अपनी व्यथा रखी। नागपुर में लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद नागपुर के कलाकारों ने महापौर कार्यालय के सामने गीतों के माध्यम से अपनी व्यथा रखते हुए लयबद्ध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि पिछले पूरे एक साल से सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाने वाले कलाकार अपने घरों में बेरोजगार होकर बैठे हैं। बच्चों की फीस, बिजली का बिल, घर के खर्चे कैसे चलाए, यह प्रश्न उपस्थित हुआ है। जिस तरह से मुंबई पुणे में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, उसी तरह नागपुर में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाए। हम लॉकडाउन का विरोध नहीं करते, किंतु कुछ ऐसे नियम के साथ में लॉकडाउन हो जिसमें किसी पर भूखे मरने की नौबत नहीं आए। आंदोलन करने का कारण ये है, हम आज इस लॉकडाउन में हम बिल्कुल भी जो है ये आंदोलन करना नहीं चाहते थे, लेकिन आज हमारी ये मजबूरी है और बहुत मजबूरी के साथ में हम लोग उतरे हैं। पिछले 12 महीने से लॉकडाउन शुरू है, पिछले 12 महीने से हम कलाकार, चाहे उसमें गायक का है, चाहे उसमें वादक का है, जनरेटर वाले, डेकोरेशंस वाले, कैटरिंग वाले, फोटोग्राफर इत्यादि, जिनका भी सांस्कृतिक या किसी कार्यक्रम से रोजगार चलता है, सभी के सभी लोग 12 महीने से अपने घर में बैठे हुए हैं, जिनकी रोजी रोटी पूरी तरह से बंद हो चुकी है। आज हमें महीने का इलेक्ट्रिक बिल भरना है, बालक मंत्री जी कहते हैं कि आपको बिल भरिए, हमें घर का टैक्स भरना है, नल का बिल भरना है, स्कूल से हमें फ़ोन आ रहे हैं कि बच्चों की आपको ट्यूशन जो फीस आपको भरनी है, दवाई पानी रोज की लगी हुई है। लेकिन अब ये बताया कि जब पूरा रोजगार बंद हो चुका है तो ये सारी ज़रूरतें हम लोग पूरी कहाँ से करें। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि किसी तरह, जिस तरह से मुंबई पुणे में जो सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहे हैं, वहाँ के लॉन शुरू है, वहाँ के कार्यालय शुरू है और वहाँ पर शादी विवाह के माध्यम से सांस्कृतिक जो प्रोग्राम हो रहे हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी नागपुर शहर में भी हमको उसकी अनुमति दी जाए, ताकि हमारी रोजी रोटी चल सके और हम लोग अपने परिवार को पाल सके। जी, हम लोग लॉकडाउन का विरोध नहीं कर सकते, हम ये चाह रहे कि लॉकडाउन रखे, लेकिन कुछ ऐसे रूल और नियम के साथ में
जिससे कि किसी को भूखे मरने की नौबत ना आए। विहिरगांव के पास किराए को लेकर हुए विवाद में ऑटो चालक की हत्या के बाद फरार आरोपी को हुडकेश्वर पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अपनी पत्नी के साथ वह एक पेट्रोल पंप के निर्माण कार्य में मजदूरी करने आया था। पूर्व नागपुर में एक ऑटो चालक अनिल हंसरा बर्वे की हत्या कर फरार हुए अज्ञात आरोपियों को हुडकेश्वर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अनंतराम लखन रजक मध्य प्रदेश का निवासी है और यहां मजदूरी करने आया था। कल उसने 200 रुपए में खरबी रोड से ऑटो किया और विहिरगांव बाईपास रोड पर ले गया। वहां पहुंचने के बाद रुपयों को लेकर दोनों में विवाद हो गया और अनिल ने ऑटो चालक के सिर पर पत्थर से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। काल हुडकेश्वर पुलिस अधिक काल दोपहर 12 बजे के सुमारास एक रिक्शा चालक है अनिल हंसराज बर्वे राहणार नवनाथ नगर खरबी रोड याचे मृतदेह आढळून आला होता आउटर रिंग रोडला ओरिएंटल कंपनीच्या बाजूने बायपास रोडवर। त्या ठिकाणी जाऊन तो मृतदेह ताब्यात घेतला तर त्याचा मर्डर कुणी केला याबद्दल निश्चित माहिती नव्हती। त्याचा तपास काल चालू झाल्यानंतर त्याच्या अनुषंगाने खरबी तसेच इतर ठिकाणी काय तांत्रिक पुरावे मिळाले होते त्या पुराव्याच्या आधारे सखोल तपास केला तर त्याच्यामध्ये मृतकास मारणारा 2 नावे निष्पन्न झाली। त्यांची नावे होती अनंतराम लखन रजत वय 25 वर्षे राहणार जिल्हा सागर MP त्याची पत्नी अनिता अनंतराम रजत वय 22 वर्षे राहणार सागर असे 2 नावं निष्पन्न झाले। त्यांना आउटर रिंग रोडच्या बाजूला एक पेट्रोल पंपाचं काम चालू आहे त्या पंपावरून ताब्यात घेण्यात आलेलं आहे। नेमकं हत्येचं कारण का होता सर आणि काय कसा बाद झाला होता कशासाठी बाद झाला होता का सांगा? यातील जे आरोपी आहेत ते खरबी येथून आदेश ब्लॉक अँड टाईल्स कंपनीचे मालक आहेत छाबरिया यांच्या संपर्कात आले। त्यांना कामाची तलाश होती काम करण्यासाठी त्यांना मजूर पाहिजे होता आणि आरोपीला काम पाहिजे होतं म्हणून त्यांनी फोन केला आणि त्यांनी सांगितले की आउटर रिंग रोडला या या कंपनीमध्ये तुम्ही या असे सांगून ते आपल्या कंपनीत गेले होते। पाठीमागून आरोपी रिक्षाने त्या ठिकाणी गेला त्यावेळेला आरोपीकडं पैसे द्यायला नव्हते रिक्षाचे पैसे आणि भाडं याच्यावरून आरोपी आणि रिक्षावाल्याच्यात वाद झाला। त्यामुळे तो वाद झाल्यानंतर रिक्षावाल्या त्यांनी दगडाने मारहाण करून जीवे ठार मारले। एकूण रिक्षाचे किती पैशाचा भाड होता सर? रिक्षाचं 200 रुपये भाडं ठरलेलं होतं परंतु ते पैसे देण्यासाठी आरोपीकडे पैसे नव्हते ते कमी जास्त करण्यावरून त्यांच्यात वादावादी सुरू झाली। सर हे जे आरोपी आहे काय कामधंदा करतो? हा मजूर आहे MP मधला मिळेल ती मजुरी करतो स्किल्ड लेबर नाही आहे। MPSC परीक्षा अचानक रद्द किए जाने के बाद सड़क पर परीक्षार्थियों ने अपने गुस्से का इजहार किया। नागपुर और वाशिम सहित अनेक स्थानों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए। MPSC की परीक्षा अचानक रद्द किए जाने के कारण गुस्से में आए परीक्षार्थियों ने नागपुर और वाशिम सहित विदर्भ के कई शहरों में प्रदर्शन कर विरोध व्यक्त किया। नागपुर में जहां सक्करदरा चौक पर बड़ी संख्या में परीक्षार्थी प्रदर्शन करते हुए नजर आए वहीं वाशिम शहर के अकोला नाका चौक में परीक्षार्थियों ने रास्ता रोको आंदोलन किया। इस दौरान युवाओं ने परीक्षा रद्द करने का निर्णय वापस लेने की मांग सरकार से की। 14 तारखेला होणार राज्य सेवा परीक्षा ही महाराष्ट्र शासनाने रद्द केली आहे। वारंवार अशी परीक्षा रद्द करून सर्वसामान्य आणि दुर्गम कुटुंबातील जे विद्यार्थी अतोनात प्रयत्न करून परीक्षा देतात त्यांचं नुकसान हे गव्हर्नमेंट करत आहे। अशानं विद्यार्थ्यांना उपासमारीची आणि आता आत्महत्या करण्याची वेळ आता सरकारनं आणलेली आहे। माझी राज्य सरकारला हातोडून विनंती आहे की असं तुम्ही करू नका आणि विद्यार्थ्यांचं नुकसान याच्या तुम्ही करू नका। लवकरात लवकर राज्य सेवा परीक्षा घ्या आणि विद्यार्थ्याला न्याय द्या हीच आमची सर्व विद्यार्थ्यांनी तुम्हाला विनंती। राज्य सरकारच्या विरोधात या ठिकाणी रास्ता रोको आम्ही केलेला आहे असं जर सरकारनं केलं तर आता याचा आता आम्हाला आत्मदहनाचा इशारा एक वेळ सरकारला द्यावा लागेल। आता हाच पर्याय एकमेव आता विद्यार्थ्याचा उतर उरलेला आहे।
याच्यापेक्षा आता कुठलाही पर्याय आता विद्यार्थी राहिला नाही, तरी आमची सर्वांना डबल हातून विनंती आहे की तुम्ही लवकरात लवकर ही परीक्षा घ्यावी। तो खबरों के सफर में आज इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।